चलो भाई नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट। सबसे पहले एक्टिंग करने के लिए आएंगे इंस्टाग्रामर्स, सेकंड होंगे यूट्यूबर्स, थर्ड होंगे चैंपियंस और आखिर में आएंगे टिकटॉकर्स। लाओ भाई सबसे पहले इंस्टाग्रामर्स है, गौर से सुनिएगा सिचुएशन। मुझे अम्मी के घर बच्चों को चिड़ियाघर और अब्बा को दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने जाना है। मुझे अम्मी के घर बच्चों को चिड़ियाघर और अब्बा को दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने जाना है। कॉन्फ्लिक्ट इसी बात पे हो रहा है कि तीनों लोग अलग अलग जगह जाना चाह रहे हैं, इस बात पे झगड़ा हो रहा है। मुझे अम्मी के घर बच्चों को चिड़ियाघर और अब्बा को दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने जाना है, इस बात पे फटा हो रहा है घर में। चलिए जी 60 सेकंड से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रेडी गो। अरे बेगम मैं जरा जा रहा हूँ, जरा एक काम से, बहुत जरूरी काम है, मेरे दोस्तों का पसंद आने वाली है, उसकी प्रैक्टिस करनी है मुझे। अभी तो आई हो, चुप, आज जुम्मा है, आप लोगों ने कहा था कि हम लोगों को चिड़ियाघर लेके जाएंगे, अभी नहीं पता हमें जाना है चिड़ियाघर। जुम्मा है तो पहले नहा तो ले, जुम्मा है नहा नहीं रहे हफ्ते से इतनी। मेरी बात सुने, मैं आपको कह रही हूँ मुझे अम्मी के घर किसी भी सूरत जाना है। देखो बेगम हमें वही ले जाओ, वहाँ भी चिड़ियाघर है। तू इधर हो जा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ पहले मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा, बसंत आने वाली है, वहाँ बसंत के बगैर देखो लाहौर में रहकर ना लाहौर बसंत ना मना तो मजा ही नहीं है ना फिर। मेरी बात सुनो, मैं खाना देना बंद कर दूंगी। आ दोनों को घूम दे रहे, हम दोनों को घूम आ जाओ। अपने बाप को देख ले कि हाथी से कम लगते हैं क्या? बच्चों के सामने तुम मुझे बेइज्जत कर रही हो। मेरी बात सुने, कोई हल निकाल ले, पहले आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दे, फिर बच्चों को चिड़ियाघर मम्मी के घर जाओ, फिर आप चिड़िया घर जाओ, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। चाय बाप शताज ने कितना अच्छा हल बताया था, पहले उसे अम्मी के घर छोड़े, बच्चों को चिड़ियाघर में छोड़ दे, फिर आप पतंग उड़ाने चले जाए, तो बच्चों को चिड़ियाघर से लेकर कौन आएगा? हाँ भाई किसकी बारी है? अंकल मैंने आपके रिक्शे का शीशा नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा है। एक रिक्शे वाला आ रहा होगा, सही है, दो दोस्त होंगे, एक दोस्त ने तोड़ दिया, इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दिया, रिक्शे वाला बाहर उतरा, उसने गुस्से में जो बातें कही हैं वो है सिचुएशन। आइए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, कौन है रिक्शे वाला? कौन है वो रिक्शे वाला? है हम दोनों दोस्त हैं, ये बॉय। ठीक है, शीशा नहीं तोड़ा आप, लेकिन तोड़ा आपने ही। रेडी गो। इधर आओ, मेरी बात सुन। अबे यार मेरी बात सुन, देख लग के सारा हूँ मैं आज, मुझे देख ले, लग के सारा हूँ मैं यार। हैं, एक बार शीशा करीब कर लो थोड़ा सा अंकल, थोड़ा सा। अबे क्या? अबे शीशा टूट गया, ये मुझे पकड़वा दिया तुमने, शीशा तोड़ दिया मेरे हाथ में। अंकल ये इसके काम है, मैंने थोड़ी थोड़ी झूठ बोल दिया था उसको यार। नहीं मेरी, तूने ये हाथ से पकड़ के शीशा तोड़ दिया अंकल, इसने इसने गिरा दिया अंकल का, इसने मेरा हाथ आगे किया था ऐसे, और उसके बाद वो शीशा टूट गया, इसकी गलती है ना, इसने तोड़ा ना शीशा। तो अल्लाह माफ करे, कितना झूठ बोल रहा है। अबे तू ये हाथ से पकड़ के कैसे शीशा तोड़ सकता है मेरा? अबे तू पागल है क्या? पागल है तू? तेरी वजह से मैं पिटाऊं, देख ले तू। इधर आ तू, चला चल जा, गल लगे चल मुझे अपने, गल लगे चल। अबे चल चल पिटा ले, मैं इससे चले होगा तू, ये मेरा बाप था, पकड़ के शीशा तोड़ दिया। अबे जाहिल आदमी, बॉल मार देता, फुटबॉल मार देता, लात मार देता, ये हाथ से पकड़ के शीशा कौन तोड़ दे? बहुत आलो सभा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुमने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? भाई खेल रहा होगा बाहर, किसी लड़की ने थप्पड़ मार दिया भाई को, छोटे भाई को। अब जो बहन है वो गई है उस लड़की के पास कि तुमने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। लड़के के पास भी जा सकती है, हाँ लड़के के पास भी जा सकती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, रेडी गो। इधर लाइफ पे बोल कर, लाइफ पे। हाँ मारा था सर, मारा था। एक सेकंड, मैं मारूंगा नहीं बेटा, प्यार से अंकल उसने मारा।
इसने मारा था अंकल, जिसने भी मारा था। कैसे हुई मेरे भाई को हाथ मारने की? तुम खिड़की से खड़े होकर मुझे देख रही थी, इसको देख रही? मेरी बात मैं अपने भाई को देख रही थी, मेरा छोटा भाई है। तो जो भी इतनी जोर से बोल मारी सूझ गया पूरा? मैं बोल नहीं मारी होगी उसने, मेरा बच्चा बहुत मासूम है। तुम्हारे भाई ने मुझे बोल मारी, फिर मेरी आवाज निकली और से आई होगी। बोल तुमने हाथ कैसे मारा इसको? मैंने हाथ नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं है। ये रे, यहीं पे यही उतार के मेरे को मार लो। तुम्हारे भाई ने इतनी जोर से बोल मारी, वो नहीं दिखा तुम्हें? वो नहीं मार सकता, वो मासूम है। देखो कितना मासूम है मेरा भाई। खेलने की जगह पे वॉक कर रहे थे, इनकी गलती है ना? तो खेलने की जगह वॉक नहीं करूंगा मैं, कहां घूमूंगा फिर यार? तू कैसा, एक तो रो भी नहीं ना, नकली नकली अपने घर में दोबारा से मारे। हाथ पीछे करो, हाथ पीछे, हाथ पीछे हो गए, पीछे बिल्कुल, उधर जाके खड़ो, दूर हो जाओ मेरे भाई से। जबरदस्त गाइस, चलो भाई। डाकू घर में आ गए हैं, शोहर की बंदूक में गोली फंस गई है, गोली फंस गई है। क्यों उसे बोला है? मैं छोड़ूंगा रही आज, तू आया कैसे? अब वो ट्रिगर दबा रहा लेकिन गोली फंस गई है। बंदूक बतलून में कैसे फंसेगी? शोहर की बंदूक में गोली फंस गई है। डाकू आ गए घर के अंदर, शोहर के पास अपनी पिस्टल होगी, वो गन लेकर जैसे ही आया उसने कहा आज नहीं छोड़ो और मांग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ready, go. ये शोर कैसा आ रहा है आज घर में? अच्छा रुक बेटे, एक मिनट रुको, मैं देख के आती हूँ। बाहर शोर आ रहा है बहुत। चोर निकालो! लाले मुझे! ये देखे ना घर में डाकू आ गया। चोर निकालो! निकाल! वो देख! निकाल, तू भी निकाल जेवरात! नीचे कर, सबका समझा? मैं सो रहा हूँ, मैं अपने गम और शादी के दुख में रो रहा था तो समझा। पीछे 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 डाकू भाई, डाकू भाई गेम में, एक मिनट गेरे बांध छोड़, गेरे बांध छोड़, एक मिनट मेरे पास कुछ नहीं, इसको गेरे बांध छोड़, इसको ले जाओ, इसको कुछ नहीं। और इधर दिखाए बंदूक, मुझे दिखाए क्यों नहीं चलती है ये? अरे लो ले ले ले, इसको क्या हो गया? अपनी तरह हर चीज घर में उतार रहे हैं। अरे मैं माफ कर दो, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप गाइस। चलो शाबाश, बताइएगा भाई इनमें सबसे बेहतर कौन है? दो पॉइंट्स का हकदार और एक पॉइंट किसके साथ जाएगा? अच्छा सिचुएशन सबने बड़ी मजे की है। अच्छा अच्छा किया सबने, अच्छा किया मजे। हां आज सबने अच्छा किया, अच्छा सबने अच्छा किया, लेकिन अब जाहिर सी बात है कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जैसे उसामा का हमेशा होता ही है, बहुत मजे का जो है वो कैरी करता है करेक्टर को, बिल्कुल ऐसे। और इसने आज भी वही किया और उसने बहुत अच्छी उसकी एनर्जी दी, और बाकी लोगों ने भी आज जो है उनका, इवन चैंपियंस ने भी जो है उसको अच्छा निभाया, मजा आया देख के, मतलब सारी। तो मेरे हिसाब से आज जो मुझे ऐसा फील हुआ कि सबने ही अपनी एनर्जी दी है और पूरा टास्क को बहुत अच्छे से किया है। ज़्यादा बेहतर जो मुझे यूट्यूबर्स की परफॉर्मेंस लगी है, और मुझे मतलब मैंने इन्जॉय किया इनकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा, और साथ साथ जो शुरू में जिनकी परफॉर्मेंस थी वो जो चिड़ियाघर वाला जो सीन था वो भी, वो उन लोगों ने भी बड़ा मजे का किया। सही कह रहे हैं। अच्छा मेरे हिसाब से चारों टीम्स में जो सबसे बेहतर है ना वो टीम यूट्यूबर्स है। देखिए अगर आप टेक्निकलिटीज़ की बात पे आएंगे या छोटी छोटी माइनर सिचुएशंस जो है जो अगर उसकी बात पे आएंगे, तो फिर वो सामान्य पकड़ी थी, वो इम्प्रोवाइज अच्छा करता है, जैसे वो उस बच्चे को लेकर गया, चल तेरा घर का है, तेरा बाप का रहता है, उससे मिलवाओ, बहुत अच्छा था वो, सिचुएशन में कहीं नहीं था। इसलिए मैं जब अब सिचुएशन क्योंकि बड़ी सिंपल होती है तो मैं ये देखता हूँ कि कौन कितना अच्छा इम्प्रोवाइज़ कर रहा है कैरेक्टर प्ले करने के साथ साथ, वो सबसे अच्छे यूट्यूबर्स थे। अच्छा उसके अलावा दें कि वो हंसे नहीं दोबारा, ताकि हम अगली दफा से इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि वो ऑल ओवर द एक्टिंग। ओ तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है दुआ, तुम जाके ब्रेक में बता देना उसको ये बात। सर आप बताएं लाइव शो में, ताकि अगली दफा ऐसा कुछ हो तो मलाइका। हां सर वो पहले भी आ चुके हैं 3-4 दफा, और उसको ये बात पता है कि एक्टिंग में हंसना नहीं है, वो न्यू नहीं है। तो तुम हंस कब रही थी? सर मेरी, सर प्लीज एक्सप्लेन करूँ, मुझे पहली बात कि नहीं पता, इतनी दफ़ा मैंने यहाँ पे एक्टिंग करी, मुझे नहीं पता कि बीच में हंसते नहीं है। और सेकंड एक टाइम में हंसी मुझे खुद पता है, वो उस पर जब वो वहाँ अब्दुल्ला था, मैंने कहा हाँ ठीक है तू तो लड़ता रहा मैं जा रहा हूँ, उस पर मैं हंस के वो चीज़ मैंने बोला। हाँ मैं बोल के फिर हंसते हुए निकल गई थी, वो मैं हंसी हूँ सर, वो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, और सेकंड वो चीज मुझे पता नहीं। स्क्रिप्ट से जब वो आउट हो गई थी, जब हंसी उसके बाद सिचुएशन से बाहर हो गई। ये मुझे मेरे अब्बू के घर ले गया था शीशा तोड़ने पर,
इल्जाम लगा रहे थे हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कि इसने तोड़ा है, मैंने शीशा तोड़ा था तो मैं इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था, तो ये इसने बोला कि तू चल तुम्हारे अपने घर ले गए थे, वो स्क्रिप्ट से आउट हो गई, बोला तू जा, मैं तो मैं बच गई हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ अपने घर, वो वैसे भी आउट हो चुकी थी वहां से। उसके हिसाब से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से भी टीम यूट्यूबर्स की थी, 2 पॉइंट्स जाएंगे यूट्यूबर्स के साथ, बाकी तीनों टीम्स के साथ जाएगा 1-1 पॉइंट। तुम लोग भी बहुत अच्छे थे चैंपियंस, मसरूर बहुत ही अच्छा था, सही मानो में ऐसा लग रहा था कि बच्चे से गलती हुई और वो रो रहा है, दुआ बहुत अच्छी थी, लेकिन दुआ बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से भी, वो तुम्हारी तरफ से मिसिंग थी। इमरान तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था, समझो तुम्हारे पास 3 सिचुएशन थी एक ही सिचुएशन में, लेकिन जो सिचुएशन लिखी हुई थी बस वही परफॉर्म करके चले गए, एक जगह भी कोई तुम्हारा जो पंच आता ना आज वो आया नहीं है। इसी तरह इतने मजे की सिचुएशन थी टीम टिकटॉकर्स की, जब डाकू आया था फॉर एग्जांपल, वो कहता कि अब गन नीचे कर ले, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो तू गया, आंखें बंद करता फंसती, वो चीज इतनी जल्दी में हो गई तुम लोगों की, उसके बाद आखिर के 25 सेकंड्स सिर्फ इस बात पे कि डाकू जो है वो घर वालों को डराया जा रहा है। हाँ भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन लोगों ने इंप्रोवाइज ज्यादा अच्छा किया और परफॉर्मेंस भी दी। 2 पॉइंट यूट्यूबर्स, बाकी तीनों टीम्स के साथ जाएगा, 1-1 पॉइंट हो जाएगा। हेड टॉस आप लोग जीत गए, रेडी गाइस, रेडी गो। नबिया को क्या हो गया, क्यों चीख रही है? मसरूर। 2 पॉइंट जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा टीम चैंपियंस के साथ, हो जाए।